हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों। लाइक करने से भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों देख रहे हैं आज की न्यूज़पेपर खबर है, 68,500 शिक्षकों की होनी है तैनाती। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, शिक्षक भर्ती की CBI जांच क्यों नहीं, जवाब तलब। तो देख रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका बदलने का लगा था आरोप। सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल सोनिका देवी ने याचिका दायर की परीक्षा में धांधली का आरोप जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद के परीक्षा नियामक प्राधिकरण से मंगवाए गए दस्तावेज की जाँच हुई। इसमें सामने आया कि अभ्यर्थी ने उत्तर पुस्तिकाओं को बदला गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने बताया कि 12 अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी सामने आई है। यूपी में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में CBI जांच पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि सहायक शिक्षक की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच CBI से क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। जस्टिस रोहिंग्टन ने एक नरीमन की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिससे मामले में चल रही CBI जांच पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही पीठ के इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा। यह मामला यूपी के सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित है। सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद परीक्षा में कथित तौर पर अनियमितताओं की बात सामने आई। कई छात्रों ने दावा किया कि उनके परीक्षा में कम अंक मिले हैं, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पिछले साल नवंबर में मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। जांच पूरी करने के लिए CBI को 6 महीने का वक्त दिया गया था। एकल पीठ के इस फैसले पर योगी सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को चुनौती दी। इस साल फरवरी में खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए CBI जांच के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की ओर से पेश वकील RK सिंह ने कहा कि इस परीक्षा में भारी अनियमितता बरती गई है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ VTC संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि 68,500 सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय किया है, अधिकारियों ने इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की है, इसी वजह से सरकार जांच कराने से बच रही है। हमें उम्मीद है कि शिक्षा को न्याय मिलेगा। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि 23 अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम दूसरी लिस्ट में योग्य घोषित किया गया, जबकि वे पहली मेरी लिस्ट में फेल थे। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट के बाद घोषित 24 अभ्यर्थियों के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में CBI जांच कराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद खंडपीठ ने पलट दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि पहली सूची में फेल, दूसरी लिस्ट में पास। तो ये आज की न्यूज़पेपर की खबर थी दोस्तों, तो बस यही अपडेट देना था। चलिए तो दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।